Linux environment और इसके कुशलतापूर्वक उपयोग करने के तरीकों में इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में एक कार्यरत लिनक्स सिस्टम के सचित्र उदाहरणों की आवश्यकता होगी। हम मानते हैं कि आप जानते हैं कि किस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत करें और कमांड्स, फाइल सिस्टम तथा शेल के बारे में भी कुछ मूलभूत ज्ञान है। यदि आप इच्छुक हैं या इन संकल्पनाओं को सुधारना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बेझिझक कीजिए। कृपया यह भी ध्यान दें कि लिनक्स केस सेंसिटिव है तथा इस ट्यूटोरियल में उपयोगित सभी कमांड लोअर केस अन्यथा कथित हैं। लिनक्स एनवायरनमेंट निर्धारित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, आपकी कमांड का जवाब किस प्रकार देता है, किस प्रकार आपके कार्यों को इंटरप्रेट करता है आदि। शेल की सेटिंग में परिवर्तन करके लिनक्स को अधिक अनुकूलित कर सकते हैं। हम समझते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है। साधारणतः शेल का व्यवहार शेल के वेरिएबल्स से निर्धारित होता है। शेल वेरिएबल्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल नामित हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ता के संपूर्ण एनवायरनमेंट में उपलब्ध हैं। यह शेल द्वारा बनाए गए सबशेल में भी उपलब्ध है, जैसे कि शेल स्क्रिप्ट्स को रन करने वालों की तरह। लोकल वेरिएबल्स, जैसे कि नाम से पता चलता है, उनके प्रतिबंधित या सीमित उपलब्धता है। ये शेल द्वारा बनाए गए सबशेल के लिए उपलब्ध नहीं है। जबकि इस ट्यूटोरियल में हम मुख्य रूप से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे देख सकते हैं। वर्तमान शेल में सभी उपलब्ध वेरिएबल्स को देखने के लिए हम कमांड सेट को चलाएंगे। टर्मिनल पर टाइप करें सेट स्पेस वर्टिकल बार मोर और एंटर दबाएं। हम सभी वर्तमान शेल वेरिएबल्स को देख सकते हैं। उदाहरणस्वरूप होम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर देखकर इसके लिए नियत वैल्यू पर भी ध्यान दें। सूची के माध्यम से स्थानांतरित होने के लिए एंटर दबाएं, बाहर आने के लिए क्यू दबाएं। यहाँ वेरिएबल सूची की सुनियोजित मल्टीपेज आउटपुट को और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए सेट में से आउटपुट को क्रम में किया है। केवल एनवायरनमेंट वेरिएबल देखने के लिए ईएनवी कमांड चलाएं। टर्मिनल पे टाइप करें ईएनवी वर्टिकल बार मोर। उदाहरणस्वरूप शेल वेरिएबल पर ध्यान दें जिनकी वैल्यू /bin/bash है। फिर से सूची के बाहर आने के लिए आप क्यू दबाएं। अब लिनक्स में कुछ अधिक महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ अपने सभी प्रदर्शनों के लिए बैश शेल का उपयोग करेंगे। विभिन्न शेल्स थोड़ा विभिन्न तरीकों से अनुकूलित हैं। वेरिएबल वास्तव में क्या संग्रह करता है यह देखने के लिए हमें उस वेरिएबल के नाम के आरंभ में डॉलर चिन्ह लगाना है और उसके साथ इको कमांड का उपयोग करना होगा। प्रथम एनवायरनमेंट वेरिएबल जिसे हम देखेंगे वह है शेल वेरिएबल। यह वर्तमान शेल का नाम संग्रह करेगा। शेल वेरिएबल की वैल्यू क्या है देखने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें इको स्पेस डॉलर शेल कैपिटल में और एंटर दबाएं। यह /bin/bash शेल है जहां हम फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल होम है। जब हम लिनक्स में लॉगिन करते हैं यह साधारणतः हमें एक डायरेक्टरी में स्थान देता है जिसका नाम हमारे यूजर नेम पर रखा होता है। इस डायरेक्टरी को होम डायरेक्टरी कहते हैं और वास्तव में यह वही है जो होम वेरिएबल में उपलब्ध है। वैल्यू देखने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें इको स्पेस डॉलर होम कैपिटल में और एंटर दबाएं। अगला एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ है। पाथ वेरिएबल में डायरेक्टरीज के एब्सोल्यूट पाथ होते हैं जिनमें से शेल को निष्पादन योग्य कमांड की खोज करनी होती है। अब पाथ वेरिएबल की सूची देखते हैं। फिर से टर्मिनल पर टाइप करें इको स्पेस डॉलर पाथ बड़े अक्षर में। मेरे कंप्यूटर पे यह /user/local/sbin/user/bin आदि डायरेक्टरीज दिखाता है।
यह एक से दूसरे सिस्टम पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। वास्तव में यह कोलन डिलिमिटर द्वारा विभाजित डायरेक्टरीज की सूची है जहां से शेल इस क्रम में एक निष्पादन योग्य कमांड की खोज करेगा। हम इस सूची में अपनी खुद की डायरेक्टरी जोड़ सकते हैं ताकि शेल द्वारा हमारी डायरेक्टरी भी ढूंढी जाए। अपनी खुद की डायरेक्टरी को जोड़ने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें path बड़े अक्षर में equal to dollar path colon slash home slash मेरी अपनी होम डायरेक्टरी का नाम और एंटर दबाएं। अब यदि हम पाथ की वैल्यू का अनुकरण करें यानी एको करें हमारी संकलित डायरेक्टरी भी पाथ वेरिएबल का एक भाग हो जाएगी। डायरेक्टरी को देखें अब यहाँ मौजूद है। एक और दिलचस्प वेरिएबल है लॉगनेम। यह वर्तमान सक्रिय यूजर के यूजरनेम को संग्रहित करता है। वैल्यू देखने के लिए टाइप करें एको स्पेस डॉलर लॉगनेम और एंटर दबाएं। जब हम टर्मिनल को खोलेंगे हम डॉलर चिन्ह देख सकेंगे जो प्रॉम्प्ट है जिस पर हम अपने कमांड्स एंटर करते हैं। यह एनवायरनमेंट वेरिएबल ps1 द्वारा प्रतिनिधित प्राथमिक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है। यहाँ एक द्वितीयक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग भी है। यदि कमांड लंबी है और यह एक लाइन से अधिक फैलती है तो दूसरी लाइन की शुरुआत से हम प्रॉम्प्ट के रूप में ग्रेटर देन का चिन्ह देख सकते हैं। यह एनवायरनमेंट वेरिएबल ps2 द्वारा प्रतिनिधित द्वितीयक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है। द्वितीयक कमांड प्रॉम्प्ट को देखने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें एको स्पेस डॉलर ps2 और एंटर दबाएं। हम प्रॉम्प्ट पर @ कहकर अपने प्राथमिक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए ps1 इक्वल टू अब उदाहरण चिन्हों के भीतर @ टाइप करें और एंटर दबाएं। अब डॉलर चिन्ह के बजाय हमें प्रॉम्प्ट के रूप में एक @ का चिन्ह दिखेगा। हम कुछ अधिक दिलचस्प कर सकते हैं जैसे हम अपने यूजरनेम को प्रॉम्प्ट के रूप में दिखा सकते हैं। केवल ps1 इक्वल टू उदाहरण चिन्हों के भीतर डॉलर लॉग नेम टाइप करें और एंटर दबाएं। अब मेरा यूजरनेम मेरा प्रॉम्प्ट है। वापस आने के लिए टाइप करें ps1 इक्वल टू उदाहरण चिन्हों के भीतर डॉलर टाइप करें और एंटर दबाएं। हमने कई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को नियत किया है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह संशोधन केवल वर्तमान सत्र के लिए ही अनुकूल है। जिस तरह हमने अपनी डायरेक्टरी को पाथ वेरिएबल में जोड़ा था यदि हम टर्मिनल बंद करते हैं और इसे फिर से खोलते हैं या पूर्ण रूप से एक नया टर्मिनल खोलते हैं और पाथ वेरिएबल को उसकी वैल्यू द्वारा जाँच करते हैं हम यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी संशोधन मौजूद नहीं है। इन संशोधनों को हम स्थायी किस तरह रख सकते हैं यह आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कवर किया जाएगा। अक्सर हम कमांड को पुनः निष्पादित करना चाहते हैं जिसे हमने हाल ही में निष्पादित किया था। हम क्या करें? क्या हम पूरे कमांड को पुनः टाइप करें? नहीं, इसके कई समाधान हैं। पहले साधारणतः यदि आप अपने कीबोर्ड में अप डायरेक्शन की को दबाते हैं तो यह आखिरी कमांड दिखाएगा जो कि आपने टाइप की है। की को दबाकर रखें और यह पिछली कमांड्स में से स्क्रॉल करता रहेगा। पीछे जाने के लिए डाउन डायरेक्शन की को दबाएं। लेकिन जब आप कई कमांड से स्क्रॉल करते हैं यह थोड़ा बेढंगा और अरोचक हो जाता है। अच्छा यह होगा कि हिस्ट्री कमांड का उपयोग करें। प्रॉम्प्ट पर टाइप करें हिस्ट्री और एंटर दबाएं। पिछली निष्पादित कमांड की उपस्थित सूची देखें।
यदि लंबी सूची के बजाय आप केवल आखिरी 10 देखना चाहते हैं, टाइप करें history space 10 और एंटर दबाएं। ध्यान दें, इस सूची में प्रत्येक पिछली निष्पादित कमांड के लिए नंबर नियत है। विशेष कमांड को दोहराने के लिए टाइप करें एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसके बाद कमांड का नंबर। उदाहरणस्वरूप 442 मेरे केस में, एको स्पेस डॉलर पाथ निष्पादित करेगा। यदि आपको पिछली कमांड को निष्पादित करने की आवश्यकता है, केवल दो बार एक्सक्लेमेशन चिन्ह टाइप करें और एंटर दबाएं। अगला विषय जो हम देखेंगे उसे टिल्डा सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। टिल्डा चिन्ह होम डायरेक्टरी के लिए शॉर्ट हैंड है। तो कहें आपके पास टेस्टट्री नाम की एक डायरेक्टरी आपकी होम डायरेक्टरी में है। आप सीडी स्पेस टिल्डा स्लैश टेस्टट्री टाइप करके इस तक पहुंच सकते हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और पिछले इस्तेमाल की गई डायरेक्टरी के बीच टॉगल भी कर सकते हैं यह कमांड देकर, सीडी टिल्डा माइनस या सिर्फ सीडी माइनस। जैसे कि अभी हम टेस्टट्री डायरेक्टरी में हैं, पिछली डायरेक्टरी जिसमें हम गए थे वह होम डायरेक्टरी थी। यदि हम सीडी स्पेस माइनस चलाते हैं यह होम डायरेक्टरी में चला जाएगा। इसे फिर से रन करें और आप टेस्टट्री डायरेक्टरी में वापस आ जाते हैं। आखिरी लेकिन काफी महत्वपूर्ण कमांड जो हम देखेंगे वह है एलियस कमांड। ऐसा हो सकता है कि आपके पास लंबी कमांड हो जिसे बार बार चलाने की जरूरत पड़े। उस मामले में हम इसे एक छोटा एलियस नाम दे सकते हैं और कमांड को चलाने के लिए एलियस नाम का उपयोग कर सकते हैं। मानिए कि आपके पास ऐसी एक लंबी डायरेक्टरी कम है जिस पर आप अक्सर संगीत के लिए जाते हैं। आप इसके लिए इस प्रकार एक एलियस तैयार कर सकते हैं, एलियस स्पेस सीडी म्यूजिक इक्वल टू दोहरे उद्धरण चिन्हों के भीतर सीडी स्पेस स्लैश होम स्लैश मेरी अपनी होम डायरेक्टरी का नाम स्लैश म्यूजिक टाइप करें और एंटर दबाएं। अब प्रत्येक समय इस डायरेक्टरी में जाने के लिए केवल सीडी म्यूजिक लिखें और एंटर दबाएं। देखें अब हम म्यूजिक डायरेक्टरी में हैं। अब आप पिछली वर्किंग डायरेक्टरी में जाने के लिए टाइप करें सीडी स्पेस माइनस। इस एलियस को निरस्त यानी कैंसिल करने के लिए केवल अन एलियस स्पेस सीडी माइनस टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब फिर से यदि आप टर्मिनल से सीडी म्यूजिक लिखते हैं आपको एक एरर मिलेगा कि कमांड मौजूद नहीं है। मान लो कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दो फाइलें हैं और यदि हम rm टेस्ट 1 चलाते हैं टेस्ट 1 डिलीट हो जाता है। हम जानते हैं कि rm कमांड का -i पर्याय हटाने की प्रक्रिया इंटरैक्टिव कर सकता है। तो हम एलियस rm इक्वल टू अब उद्धरण चिन्हों के भीतर rm स्पेस -i जैसा एक एलियस सेट कर सकते हैं। अब जब हम rm -i चलाएंगे वास्तव में चलेगा यानी रन होगा। तो हमने देखा कि जब टेस्ट 1 डिलीट हो जाता है सिस्टम टेस्ट 2 डिलीट करने के लिए पूछता है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हिस्ट्री और एलियसिंग के बारे में सीखा। यह मुझे इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर लेके आता है। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र केरवान द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।